हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब बच्चे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, आज इस सेशन में जिस टॉपिक का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। सो बच्चों, किसी वेरिएबल एंगल के लिए हम लोग टी रेशियोज ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। सो यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल के बारे में, और कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए हम लोग टी रेशियोज को डिफाइन करेंगे। सो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, सबसे पहले बच्चों हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं जो हम लोग लास्ट सेशन में पढ़े थे, ठीक है। हम लोग किसी वेरिएबल एंगल के लिए टी रेशियोज को डिफाइन किए थे, तो एक बार फिर से उसको करते हैं और फिर हम लोग आएंगे स्पेसिफिक एंगल पे, ठीक है। अगर हम लोग के पास में कोई राइट ट्रायंगल है, देखो यहाँ पे हम लोग के पास में एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, इसको कुछ नाम देते हैं हम लोग, ठीक है, एबीसी। तो बच्चों, एबीसी हम लोग के पास में क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, जहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे, बी पे है, ठीक है, राइट एंगल बी पे है। सो बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग को एंगल ए के लिए अगर टी रेशियोज को डिफाइन करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, इसको कुछ नाम देते हैं थीटा, ठीक है। तो एंगल ए को हम लोग कुछ नाम दे दिए थीटा यहाँ पे। नाउ इसके बाद हम लोग को साइड्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। थीटा के लिए बच्चों बेस क्या हो जाएगा, जो इसके एडजेसेंट में होगा, मतलब ए बी। सो ए बी इज द बेस फॉर थीटा, ठीक है। बी सी इज द परपेंडिकुलर फॉर थीटा, क्योंकि इसके सामने है, अपोजिट में है, ठीक है। और जो राइट एंगल के सामने होता है वो क्या होता है, वो होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग साइड्स को आइडेंटिफाई कर लिए, साइड्स को आइडेंटिफाई कर लिए। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे अपना टी रेशियोज यहाँ पे, ठीक है, किसके लिए, एंगल थीटा के लिए, मतलब एंगल ए के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन थीटा, ठीक है। तो बच्चों साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। कॉस थीटा, सो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे ही बच्चों लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक थीटा, वो क्या होता है, सो कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो ये हो जाएगा बच्चों एच अपॉन पी, ठीक है। फिर सेक थीटा, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, सो दिस इज एच अपॉन बी। एंड फाइनली कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों बी अपॉन पी, ठीक है। तो बच्चों ये हम लोग थीटा के लिए, मतलब एंगल ए के लिए क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको लिख लिए, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए हम लोग एक कहावत भी सीखे थे, ठीक है, इसको याद करने के लिए हम लोग कहावत भी सीखे थे, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो क्या था, वो था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, मतलब पी अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। बी अपॉन एच, ये क्या हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा। और P अपॉन बी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। और अगर नीचे से ऊपर की तरफ गए, ठीक है, मतलब H अपॉन P, ऊपर H नीचे P, तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा बच्चों, क्योंकि कॉसेक और साइन एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा सिक थीटा, और यहाँ पे बच्चों नीचे से ऊपर जाएंगे तो बी अपॉन पी क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा, राइट बच्चों। तो ये बस याद करने का तरीका था बच्चों, ठीक है। वैसे जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, वैसे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता ये, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कंफर्टेबल फील करेंगे हम लोग, राइट। नाउ यहाँ पर ध्यान दो कि इस एंगल के लिए हम लोग टी रेशियोज डिफाइन किए हैं, ठीक है। अब बच्चों ये एंगल तो हम लोग को पता नहीं है क्या है, इसका वैल्यू भी पता नहीं है हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि थीटा क्या है, थीटा एक वेरिएबल एंगल है, थीटा एक वेरिएबल एंगल है जिसका वैल्यू, ठीक है, जिसका वैल्यू बच्चों जीरो से लेके 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है, जीरो से लेकर 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। सो वी कैन से थीटा इज ए वेरिएबल एंगल, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है जीरो से 90 के बीच में। क्यों, क्योंकि बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे राइट ट्रायंगल का, ठीक है। और हम लोग को पता है यहाँ पर ऑलरेडी, मतलब बी पे ना क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, बी पे हम लोग का राइट एंगल है। सो बाकी का जो दो एंगल बचता है यहाँ पे उसका सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सो थीटा का वैल्यू अगर हम लोग ये लें या फिर ये एंगल लें, ठीक है, जीरो से 90 के बीच में ही कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। सो जीरो से 90 के बीच में बच्चों बहुत सारा वैल्यू होता है, ठीक है, जीरो से लेकर 90 के बीच में बहुत सारा वैल्यू होता है, और सबके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर सकते हैं। बट बच्चों देखो यहाँ पे हम लोग को स्कोप में नहीं है सारा वैल्यूज को, यहाँ पे हम लोग को नहीं पढ़ना है एग्जैक्टली, ठीक है, कुछ ही वैल्यूज को पढ़ना है जो हम लोग का सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। और यही होता है बच्चों स्पेसिफिक एंगल, अगर हम लोग यहाँ पे थीटा को कोई वैल्यू असाइन कर दें, अगर हम लोग थीटा को कोई वैल्यू असाइन कर दे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्पेसिफिक एंगल। अभी क्या है ये, अभी ये वेरिएबल एंगल है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट अगर डेफिनेट हो वैल्यू, कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो, ठीक है, हम लोग को पता है कि थीटा क्या है, तो वो कहलाएगा स्पेसिफिक एंगल, राइट बच्चों। जैसे कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री,
ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, थीटा एक स्पेसिफिक एंगल हो जाएगा और उसी के बारे में बच्चों हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। सो हम लोग को सिलेबस में जो जो एंगल दिया पढ़ने के लिए बच्चों को क्या है? एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो थीटा के जगह पे हम लोग को क्या क्या रखना है, ठीक है, थीटा क्या है, एक वेरिएबल एंगल है, तो अगर इसको हम लोग असाइन कर देंगे 0 डिग्री तब भी ये स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को सिलेबस में दिया बच्चों 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सो बच्चों इन 5 एंगल्स के लिए हम लोग को यहाँ पर टी रेशियोज को डिफाइन करना सीखना है, ठीक है, उनका वैल्यू निकालना सीखना है, राइट बच्चों। सो सब कुछ बहुत सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जब हम लोग को ये वाला कंसेप्ट अच्छे से पता है बच्चों, ठीक है, सो स्पेसिफिक एंगल के लिए निकालना बहुत आसान होता है। तो होपफुली आप लोग को स्पेसिफिक का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। जैसे कि हम लोग को 10th के बाद में क्या पढ़ना है, 10th के बाद में हम लोग को अगर साइंस पढ़ना है, ठीक है, साइंस पढ़ना है बच्चों, तो साइंस में भी बहुत सारा ब्रांच है, ठीक है, स्पेसिफिक ब्रांच क्या हो सकता है, ठीक है, साइंस में कोई स्पेसिफिक ब्रांच क्या हो सकता है, ठीक है, अगर मेडिकल करना है तो मेडिकल का एक स्पेसिफिक ब्रांच है बच्चों, इंजीनियरिंग करना है तो एक स्पेसिफिक ब्रांच है, ठीक है, साइंस का एक जनरल कंसेप्ट है, एग्जैक्टली जनरल सब्जेक्ट है, समझ में आया बच्चों। इस तरह से स्पेसिफिक एंगल कुछ वैल्यू देती है, कुछ वैल्यू असाइन कर दिया हम लोग थीटा को, तो क्या बन गया, वो बन गया स्पेसिफिक एंगल। तो इतना एंगल बच्चों हम लोग को दिया हुआ सिलेबस में, जिसके बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, और हम लोग को टी रेशियोज यहाँ पे निकालना है। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 45 डिग्री का, ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे 45 डिग्री का, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे टी रेशियोज को डिफाइन करेंगे, ठीक है, 45 डिग्री के लिए टी रेशियोज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे अगेन हम लोग के पास में एक राइट ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है, अगेन हम लोग के पास में क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, इसका भी नाम दे दो यहाँ पे ABC, ठीक है, इसका भी नाम दे दिया हम लोग यहाँ पे ABC। सो ABC हम लोग के पास में क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है, ठीक है, राइट एंगल बी पे है मतलब 90 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या किए थे हम लोग, ठीक है, सबसे पहले इसको एग्जैक्टली क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं 45 डिग्री के लिए, तो इसको वैल्यू असाइन कर ही दो ना यहाँ पे, इसको बोल दो कि 45 डिग्री है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, यहाँ पे 45 डिग्री हम लोग ले लिए, कोई स्पेसिफिक वैल्यू, कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले लिए, राइट। अब देखो ये 90 है, ये 45 है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, दिस इज 90, दिस इज 45, तो ये भी 45, राइट। अब ये 45 बच्चों और ये 45 दोनों एंगल इक्वल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक आइसोसेलस राइट ट्रायंगल है, राइट बच्चों, क्या है ये, एक आइसोसेलस राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर ये आइसोसेलस राइट ट्रायंगल है, तो हम लोग को प्रॉपर्टी अच्छे से पता है आइसोसेलस ट्रायंगल का, कि अगर बेस एंगल्स इक्वल होता है तो साइड्स भी इक्वल होता है, ठीक है, तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा, तो उसको भी कुछ नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग बोलते हैं कि ये वाला एक्स है, मतलब ए बी क्या है, एक्स है, तो बी सी भी क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से हम लोग यहाँ पे बोल दिए कि एक्स है, तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों 45 डिग्री के लिए ए बी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इसके एडजेसेंट में है, तो ये हो जाएगा बेस, ठीक है, और ए बी बेस हो गया, तो बी सी क्या हो जाएगा बच्चों, बी सी इज परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे बच्चों बेस भी एक्स है और परपेंडिकुलर भी एक्स है, किसके लिए, 45 डिग्री के लिए। अब बच्चा क्या, बच्चा हम लोग के पास में हाइपोटेन्यूज जो 90 के सामने है, इसका वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, इस ये इस साइड क्या होगा हम लोग को नहीं पता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे और ये साइड निकाल लेंगे ए सी, ठीक है। तो ए सी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का, राइट बच्चों। सो हम लोग को पता है इस थ्योरम से एग्जैक्टली कि जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट बच्चों। अब ये दोनों लेंथ तो हम लोग को पता है, ठीक है, ए बी एक्स है, ए बी एक्स है, तो यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x², राइट। नाउ ए सी क्या हो जाएगा, तो बच्चों ए सी हो जाएगा हम लोगों का अंडर रूट 2x². सो 2 तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, x बाहर निकल जाएगा, राइट। सो यहाँ पर हो जाएगा रूट 2x। बच्चों x को रूट से बाहर लिखना है, ठीक है, x को रूट से बाहर लिखना है, अदरवाइज गलती हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। नाउ ए सी निकल गया बच्चों हम लोग का कितना, ये निकल गया रूट 2x, ठीक है, रूट 2x निकल गया। नाउ हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, हम लोग को बच्चों यहाँ पे लिखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, हम लोग को लिखना है किसके लिए, 45 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे क्या लिख रहे थे हम लोग, साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, ठीक है।
तो यहाँ पे वही लिखेंगे बट 45 डिग्री के लिए लिखेंगे, जहाँ जहाँ थीटा है उसको रिप्लेस कर देंगे 45 डिग्री से, राइट बच्चों? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन 45, ये क्या हो जाएगा, ये वही होगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है? हम लोगों को सब पता है, यहाँ पे देखो हम लोग का परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पे BC है, ठीक है? इसके लिए ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है यहाँ पे BC, सो एक्स और हाइपोटेन्यूज कितना निकाले बच्चों हम लोग, रूट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हम लोग के पास में 1/√2, राइट बच्चों? वैसे ये लिखो यहाँ पे cos 45, ये हो जाएगा B/H, ठीक है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बच्चों एक्स है, अगेन हाइपोटेन्यूज कितना है रूट टू एक्स है, सो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/√2, ठीक है? वैसे ही tan थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, ये होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो यहाँ P भी x है और B भी x है, सो दोनों कैंसिल होकर बन जाएगा 1। सो बच्चों यहाँ पर हम लोग साइन 45, cos 45 और tan 45 का वैल्यू निकाल लिए बहुत आसानी के साथ, ठीक है? अब उसे भी आसान है बच्चों, यहाँ पर लिखना cosec, cosec 45, ठीक है? उसके बाद sec 45 और फिर बच्चों cot 45, राइट? नाउ देखो हम लोग पहले सेशन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, पहले लेक्चर से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ठीक है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीक होता है, टैन का क्या होता है, कॉट होता है, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना है बच्चों इसमें, ठीक है? सिंपल सा लॉजिक है ये, अगर पी अपॉन एच है तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा बच्चों, ये एच अपॉन पी हो जाएगा। वैसे ही हम लोग का सीक क्या हो जाएगा बच्चों, ये एच अपॉन बी हो जाएगा और ये बी अपॉन पी हो जाएगा, राइट? तो वैल्यूज लिख दो यहाँ पे, इसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा रूट टू, ठीक है? सिक्स 45 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा रूट टू, और वन का उल्टा क्या होता है बच्चों, वन ही होता है, तो यहाँ पे हम लोग वन लिख देंगे, राइट? ओके, तो ये हम लोग का 45 डिग्री का डिस्कशन बच्चों कंप्लीट हो गया ना बच्चों। हम लोग 45 डिग्री के टी रेशियोज को कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टी रेशियोज किसका, 30 डिग्री का एंड 60 डिग्री का, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, उसके लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है? देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल अपने पास में जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC, ठीक है? सो बच्चों ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है बच्चों? ट्रायंगल ABC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हम लोग को पता है इसका सारा एंगल इक्वल होता है और सारा साइड भी इक्वल होता है, ठीक है? तो एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों क्या हो जाएगा, तीनों 60 के बराबर हो जाएगा, ठीक है? तीनों 60 के बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों? और साइड को भी हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग बोल लेते हैं कि BC जो है वो 2A लेंथ का है, तो बच्चों AC भी क्या हो जाएगा, 2A का हो जाएगा, और AB भी क्या हो जाएगा, 2A का हो जाएगा, ठीक है? नाउ अब बच्चों वर्टेक्स A से BC पे हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसको कि इसका नाम देते हैं पहले AD, सो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है? अब ना बच्चों क्योंकि AD एक परपेंडिकुलर है और ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो AD है हम लोग का परपेंडिकुलर, वो BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, प्रॉपर्टी होता है, हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं, ठीक है? सो ये और ये इक्वल हो जाएगा, मतलब BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू A हो जाएगा, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया ना बच्चों, तो ये 2A लेंथ का है पूरा, तो ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, ठीक है? साथ में ये क्या करेगा, एंगल A को भी करेगा बाइसेक्ट, ठीक है? मतलब ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है? 30 हो जाएगा, ठीक है बच्चों? नाउ अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग लेंगे एक ट्रायंगल ABD, ठीक है? हम लोग क्या लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे ABD, ठीक है? सो इन ट्रायंगल ABD, ठीक है बच्चों? AB क्या होगा अपना, AB इज द हाइपोटेन्यूज, ठीक है? AB क्या होगा, हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल के सामने है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये राइट एंगल है, ठीक है? इसके सामने कौन सा साइड है, AB है, तो ये हो जाएगा हम लोग का हाइपोटेन्यूज, और बाकी दोनों साइड है हम लोग के पास में BD और AD, उसमें से एक क्या होगा, एक होगा उसमें से बेस और एक होगा परपेंडिकुलर, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द एंगल। किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, एंगल बी के बारे में बात कर रहे हैं जो 60 डिग्री का है, कि एंगल ए मतलब BAD के बारे में बात कर रहे हैं जो 30 डिग्री का है, ठीक है? वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, ठीक है? तो फिलहाल तो हम लोग को यहाँ पे लेंथ निकालना है किसका, AD का, तो हम लोग इस राइट ट्रायंगल को ले रहे हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है? इन ट्रायंगल ABD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चों? यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम,
ठीक है, वहाँ से क्या निकाल लेंगे, ए डी निकाल लेंगे। ठीक है, ए बी क्या है, हम लोग का एच है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, सो यहाँ पे बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। अब ए बी का लेंथ तो हम लोग को पता है, यहाँ पे क्या है 2a, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। सो बच्चों ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। ठीक है, सो ए डी क्या मिलेगा हम लोग को, ये मिलेगा रूट 3 ए स्क्वायर, सो रूट के अंदर 3 हो जाएगा और a बाहर चला जाएगा। सो हम लोग निकाल लिए बच्चों यहाँ पे ए डी का लेंथ, ये है रूट 3a। ठीक है ना बच्चों, अब इस ट्रायंगल में देखो ए बी डी में, ठीक है, एक एंगल हम लोग का 30 है, दूसरा हम लोग का 60 है और तीसरा हम लोग का 90 है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से 60 और 30 का टी रेशियोज यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग लेंगे एंगल बी ए डी। ठीक है, तो बच्चों इस ट्रायंगल में हम लोग कौन सा एंगल लिए हैं, बी ए डी। तो बी ए डी के लिए बच्चों, बी ए डी के लिए जो कि इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 30 डिग्री। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस हो जाएगा जो इसके एडजेसेंट में है, क्या है वो ए डी है। ठीक है, इसके लिए बच्चों परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जो इसके सामने अपोजिट में है वो क्या है, बी डी है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है तो जो राइट एंगल के सामने वाला साइड है मतलब ए बी। ठीक है, तो लिख लिया हम लोग साइड्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिए, किसके लिए, बी ए डी के लिए, जिसका वैल्यू कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आराम से टी रेशियोज लिख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले साइन 30 मतलब साइन ऑफ बी ए डी, साइन 30 कितना हो जाएगा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए है, तो यहाँ पे ए होगा। हाइपोटेन्यूज क्या है, 2a है, तो यहाँ लिखो 2a, ए कट जाएगा, वैल्यू कितना मिलेगा हम लोग को, 1/2, तो साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, नाउ कॉस 30 ये कितना होगा, ये हो जाएगा बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो इसके लिए बेस क्या है, इसके लिए बेस बच्चों रूट 3a है, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 2a है, तो 2a लिखो यहाँ पे, a कैंसिल रूट 3/2। ठीक है, फिर लिखो यहाँ पे tan 30, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, bd होगा मतलब a होगा, और बेस कितना हो जाएगा रूट 3a, रूट 3a, तो ए कैंसिल हो गया, कितना वैल्यू आया, 1/√3। तो बच्चों ने तीनों निकाल लिए, साइन 30, कॉस 30, टेन 30। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का रूट 3/2, टेन 30 का 1/√3। अब हम लोग आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक 30, जो कि रेसिप्रोकल होगा किसका बच्चों, साइन 30 का, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉस 30 है यहाँ, तो यहाँ लिखो सेक 30 इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 30, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। अगेन यहाँ पे बच्चों टेन 30 का वैल्यू कितना, 1/√3, तो कॉट 30 कितना हो जाएगा, दिस इज रूट 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 30 डिग्री के लिए बच्चों टी रेशियोज लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे 60 के लिए, तो उसके लिए कौन सा एंगल लेना पड़ेगा हम लोगों को, ये हम लोग का पार्ट वन था। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लेना पड़ेगा ए बी डी। ठीक है, सो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कर लेते हैं बच्चों, सो इन पार्ट टू। ठीक है, फोर कर लेंगे, फोर एंगल ए बी डी, ए बी डी कितना बच्चों, 60 है। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए साइड्स पहले आइडेंटिफाई कर लो, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस हो जाएगा बच्चों ये वाला बी डी जो इसके एडजेसेंट में है। ठीक है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सामने वाला ए डी हो जाएगा। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज होगा यहाँ पे फिर से ए बी। ठीक है, क्योंकि वो फिक्स होता है ना। अब यहाँ पे टी रेशियोज लिखो, सबसे पहले लिखो साइन 60, ये क्या होगा बच्चों, रूट 3/2। क्यों होगा रूट 3/2, ये क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, इसके लिए रूट 3a है, और हाइपोटेन्यूज क्या बच्चों, 2a है, a कैंसिल, तो यहाँ आएगा रूट 3/2। वैसे ही लिखो कॉस 60, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बच्चों इसके लिए, a है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 2a है, a कैंसिल, हो जाएगा 1/2। ठीक है, टेन 60 कितना हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इसके लिए परपेंडिकुलर रूट 3/2
रूट थ्री ए है और बेस कितना है, ए है, ये कैंसिल हो गया, ये आया रूट थ्री, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग कॉसिक 60, ठीक है, जो कि साइन 60 का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। साइन 60 कितना आया था, रूट थ्री अपॉन टू आया था, तो कॉसिक 60 कितना हो जाएगा बच्चों, टू अपॉन रूट थ्री हो जाएगा। फिर सेक 60, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है, तो सेक 60 का कितना होगा, 2 हो जाएगा। और फाइनली कॉट 60, ठीक है। अब यहाँ पे टेन 60 का वैल्यू हम लोग को रूट थ्री मिला है बच्चों, तो कॉट 60 कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है, 1/√3। तो इस तरह से बच्चों हम लोग 30 का और 60 का दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, ये सब क्या है बच्चों, 30, 60, 45, सारा क्या है, ये सारा स्पेसिफिक एंगल है, ठीक है, और इन लोगों के लिए वैल्यूज हम लोग आराम से यहाँ निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं वैल्यूज़ को बच्चों आगे जाके हम लोग को याद करना है, क्वेश्चन में यूज़ करना है बच्चों। इसके लिए हम लोग सेशन के एंड में एक टेबल भी क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो हम लोग के लिए शॉर्टकट होगा, जहाँ से हम लोग इजीली इन वैल्यूज़ को याद रख पाएंगे, ठीक है। सो अभी फिलहाल प्रोसेस को अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो हम लोग लिख लिए 30-60 के लिए, चलो अब हम लोग लिखेंगे 0 के लिए और 90 के लिए। ना बच्चों अब हम लोग टी रेशियोज कैलकुलेट करेंगे 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल हम लोग के पास में एबीसी, राइट ट्रायंगल है, ठीक है। हम ना बच्चों जो एंगल है ये वाला, ठीक है, सबसे बड़े वाले ट्रायंगल का जो एंगल है उसको हम लोग मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो ये हम लोग का थीटा एंगल है एबीसी, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम लोग को ये सोचना है कि जीरो कैसे होगा, थीटा जीरो कैसे होगा, ठीक है, इसको जीरो कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सोचो जरा इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। तो बच्चों इसको जीरो करने के लिए हम लोगों को सी को नीचे की तरफ लाना होगा, मतलब जो हम लोग का अगर थीटा है तो हम लोग का हाइपोटेन्यूज होगा, ये हम लोग का बेस होगा, ये हम लोग का परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग का राइट एंगल है, इसके सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, इसके जो एडजेसेंट में है वो क्या होगा, बेस होगा, और जिसके सामने होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है हम लोग को, जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सी को बच्चों नीचे लेके आना पड़ेगा, ठीक है, सी को नीचे लेके आना पड़ेगा, मतलब अगर हम लोग ए सी को ए बी के ऊपर सुपर इम्पोज कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, तो जो एंगल थीटा है बच्चों जीरो हो जाएगा, आस्ते आस्ते कम होते जाएगा ये, ठीक है। मतलब क्या, अगर सी को थोड़ा नीचे लेके आते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये एंगल बनेगा हम लोग का, इसको मान लो थीटा वन, ठीक है, और नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों थीटा टू, ठीक है, और नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा थीटा थ्री, और फाइनली जब यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है, यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे बी और सी बहुत क्लोज हो गया, ठीक है, बी और सी बहुत क्लोज हो गया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है सबसे छोटे वाले ट्रायंगल में वो लगभग, ठीक है, जीरो है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वो जीरो को टेंड कर रहा है, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल सी ए बी जीरो को टेंड कर रहा है, ठीक है। अगर एंगल सी ए बी जीरो को टेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि बी सी भी जीरो होगा, ठीक है, बी सी भी जीरो को टेंड करेगा, मतलब ये साइड भी ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, ठीक है। बी सी पहले इतना बड़ा था, परपेंडिकुलर था जो हम लोगों का, अब इतना छोटा हो गया, ये परपेंडिकुलर है जो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष हम लोग और निकाल सकते हैं क्या, कि जो हम लोगों का ए सी है वो ए बी के बराबर हो जाएगा, ए सी इज इक्विवेलेंट टू ए बी, ठीक है। तो बच्चों एकदम क्लोज लेके आए हम लोग सी को बी के, ठीक है, तो ये सारा एजम्पशन हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है, कि एंगल सी ए बी टेंस टू जीरो, बी सी टेंस टू जीरो, तो साइड बी सी भी जीरो के बराबर हो जाएगा लगभग लगभग, और ए डी जो होगा ए बी के बराबर होगा, ठीक है। अब इस एजम्पशन के साथ में हम लोग को यहाँ पर टी रेशियोज लिखना है, ठीक है, उसको हम लोग सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं बच्चों, ए सी को हम लोग बी ए बी के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रायंगल का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है, ट्रायंगल रहेगा नहीं तो फिर टी रेशियोज का क्या मतलब है, समझ में आया। तो टी रेशियोज निकालने के लिए हम लोग को ट्रायंगल चाहिए, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ये टेंड कर रहा है जीरो को, ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है। सो अब यहाँ से हम लोग आराम से लिख सकते हैं टी रेशियोज इसके लिए जीरो डिग्री के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे साइन जीरो, तो साइन जीरो क्या होता है बच्चों, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो गया, जीरो हो गया ऑलमोस्ट, सो जीरो अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों हम लोगों का ए सी है, जीरो अपॉन ए सी इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। नाउ कॉस जीरो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस कितना है हम लोग का, बेस तो बच्चों ए बी ही रहेगा, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा हम लोग का, ए सी रहेगा,
अब लोग क्या बोले हैं यहाँ पे, क्योंकि इतना क्लोज आ चुका है ये सी बी के, इतना क्लोज आ चुका है कि ए डी और ए बी ऑलमोस्ट बराबर हो गया है, मतलब यहाँ पे सॉरी ए सी, ए सी और ए बी ऑलमोस्ट बराबर हो गया है, ठीक है। सो हम लोग बोल सकते हैं दोनों सेम हो गया तो दोनों कट के क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। वैसे ही बच्चों टैन जीरो क्या हो जाएगा हम लोगों का, टैन जीरो इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो अगेन परपेंडिकुलर इज जीरो, सो जीरो एंड बेस इज ए बी, सो जीरो अपॉन ए बी इज जीरो, सो टैन जीरो कितना आया बच्चों, जीरो आया। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ से बच्चों साइन जीरो कॉस जीरो टैन जीरो का वैल्यू हम लोग को मिल गया, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉस एक्स जीरो। अब बच्चों कॉस एक्स जीरो मतलब क्या हो गया, वन अपॉन साइन जीरो, ठीक है। साइन जीरो का वैल्यू क्या बच्चों, जीरो है, तो वन अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो कॉस एक्स जीरो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। नाउ सेक्स जीरो इज वन अपॉन कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है बच्चों, वन होता है, तो वन अपॉन वन इज वन अगेन, और इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, वन का वन ही होता है, ठीक है। नाउ कॉट जीरो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टेन जीरो, ठीक है। सो जो टेन जीरो जीरो होता है तो दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। टेन जीरो इज जीरो, सो वन अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है बच्चों। तो कॉट जीरो कितना हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, फाइन, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। वैसे ही बच्चों इसका बात करें हम लोग अगर, ठीक है, 90 डिग्री के लिए अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को ए को बी के तरफ लेके जाना होगा, ठीक है। मतलब ये एंगल जो थीटा है हम लोगों का, इसको 90 करना है, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ए को शिफ्ट करना पड़ेगा बी के तरफ, ठीक है। ए पहले यहाँ पे है तो थीटा है, फिर यहाँ पे आएगा तो कुछ थीटा वन जो कि बड़ा होगा थीटा से, ठीक है। फिर बच्चों थीटा टू और बड़ा हो गया ये, जब ए यहाँ पे आ गया, तो जब ए यहाँ पे आएगा तो और बड़ा हो जाएगा थीटा थ्री, फिर थीटा फोर और बड़ा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा ऐसा, ठीक है, कि ए यहाँ पहुँच जाएगा बी के पास में, ठीक है। ए और बी दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, साथ में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर, ठीक है, ये दोनों जब साथ में आ गया तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ठीक है, ये क्या करेगा, ऑलमोस्ट जीरो को टेंड करेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो को टेंड करेगा, ठीक है। और ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा हम लोग का थीटा, अब क्या हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट 90 हो जाएगा, लगभग 90 हो जाएगा, ठीक है, मतलब बहुत पास में चलाएगा दोनों, ठीक है बच्चों। सो इस एजम्पशन के साथ में हम लोग यहाँ पे 90 के लिए भी टी रेशियोज, ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ बोलेंगे साइन 90, तो साइन 90 क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो इस एंगल के लिए बी सी इज द परपेंडिकुलर, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए सी होगा बच्चों, ठीक है। तो बी सी और ए सी मतलब बी सी यहाँ पे बच्चों ए सी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये दोनों लेंथ लगभग बराबर हो जाएगा, क्योंकि बहुत पास में है ना, जब सेम लगेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल होकर वन हो जाएगा। तो साइन 90 क्या होता है बच्चों, वन होता है। वैसे ही देखो कॉस 90 यहाँ पे है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो देखो ये तो शिफ्ट थोड़ा हो गया बी की तरफ, इसके बहुत क्लोज चला गया, इतना क्लोज चला गया कि हम लोग क्या बोल दिए कि दोनों के बीच में अब कोई दूरी ही नहीं है, ठीक है, मतलब 10 to 0 हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो जीरो अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, यहाँ पे ए सी है, ठीक है। सो जीरो अपॉन ए सी इज जीरो, अगेन बच्चों 10 90 क्या हो जाएगा, 10 90 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ये बच्चों हम लोग का बी सी है और बेस क्या है, ए बी है, ए बी तो हम लोग जीरो बोल दिए हैं, तो बी सी अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे कॉसेक, कॉसेक 90 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 90, ठीक है, तो ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, ठीक है। फिर sec 90 बच्चों 1 अपॉन cos 90, cos 90 क्या होता है बच्चों, 0 होता है, तो 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। एंड फाइनली cot 90 क्या हो जाएगा, cot 90 इज 1 अपॉन 10 90, और 10 90 क्या बच्चों, 1 अपॉन नॉट डिफाइंड, सो दिस इज 0, ठीक है। 1 अपॉन नॉट डिफाइंड क्या होता है बच्चों, 0 होता है, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से बच्चों हम लोग 0 के लिए भी और 90 के लिए दोनों के लिए टी रेशियोज डिफाइन कर लिए, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। बट अब जो हम लोग करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, इन वैल्यूज़ को वहाँ पे समराइज करेंगे, ठीक है, वही हम लोग का शॉर्टकट भी होगा, तो उसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, जैसे जो भी यहाँ पढ़े हैं वो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मतलब इन वैल्यूज़ से हम लोग कंफर्टेबल होते जाएंगे और ये हम लोग को याद होते जाएगा, ठीक है।
जो इस टेबल को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रो के तरफ बच्चों यहाँ पे स्पेसिफिक एंगल का वैल्यूज लिख लेंगे जो भी हम लोग के सिलेबस में दिया हुआ है, और कॉलम में बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी है, ठीक है। नाउ अब बच्चों यहाँ पे जो साइन का रो है, ठीक है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या लिखते हुए, जीरो से लेके फोर तक लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग तो यहाँ पे लिखो जीरो, यहाँ पे लिखो वन, यहाँ पे लिखो टू, यहाँ पे लिखो थ्री, यहाँ पे लिखो फोर, ठीक है बच्चों। अब यही काम हम लोगों को करना है बच्चों कॉस वाले रो में, बट पीछे से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करो लिखना, जीरो वन टू थ्री एंड फोर, राइट बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग जो भी वैल्यूज यहाँ पे लिखे हैं साइन के रो में और कॉस के रो में, ठीक है, उसको फोर से डिवाइड कर लेंगे। तो इसको डिवाइड कर लो फोर से सबको, तो बच्चों इनको हम लोग फोर से डिवाइड कर लिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, सबको रूट में डाल देना है, ठीक है, सबको हम लोगों को स्क्वायर रूट में डाल देना है, ठीक है। सब जो सारे वैल्यूज को हम लोग क्या कर लिए यहाँ पे स्क्वायर रूट में डाल दिए, ठीक है। अब हम लोग को इनका वैल्यूज कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे रूट के अंदर 0.4 है तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर में जीरो है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों √2/2, ठीक है, √2/2 आया यहाँ पे। तो बच्चों √2/2 को अगर हम लोग रैशनलाइज कर लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तो यहाँ मिलेगा 2/√2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा बच्चों 1/√2। सो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3/2, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 4/4 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग को साइन 0 का वैल्यू मिला 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1 मिल गया, ठीक है। फिर कॉस वाले को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ बच्चों 1 मिलेगा, यहाँ मिलेगा √3/2, सेम वैल्यू दोनों का बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा, राइट बच्चों। तो दिखना कितना आसान है बताओ, कितना से तो लिखना कितना आसान है बताओ, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे बच्चों tan का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू। सो बच्चों tan 0 क्या होगा, अब हम लोग को पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसका मतलब अगर हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, हम लोग को मिलने वाला tan का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ लिखेंगे, मतलब 0/1 क्या होगा, 0 होगा। सो tan 0 इज 0, ठीक है। फिर अब यहाँ पे बच्चों देखो 1/2/√3/2, तो यहाँ से आएगा 1/√3, ठीक है। सो tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, tan 45 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ भी 1/√2 है, यहाँ भी 1/√2 है, तो 1/√2/1/√2 इज 1, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो √3/2 डिवाइड बाई 1/2, सो दिस इज √3 एंड 1/0 यहाँ पे मिलेगा हम लोग को नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग tan 0 का वैल्यू लिख लिए, 0 आया, tan 30 1/√3, tan 45 1 आया, tan 60 √3 आया और tan 90 नॉट डिफाइंड आया, ठीक है बच्चों। तो फिर हम लोग को लिखना है यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू। तो हम लोग को पता है कि cos थीटा क्या होता है, sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो ये हो जाएगा बच्चों 1/sin 0, cos 0 इज इक्वल टू 1/sin 0, तो sin 0 का वैल्यू कितना है बच्चों, 0 है, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से बच्चों इसको उल्टा करके यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर निकालना है हम लोग cosec 30 का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे √2 हो जाएगा, यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, ठीक है। फिर sec थीटा लिखना है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा को उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो 1 का उल्टा 1, ठीक है, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा बच्चों √2,
ठीक है, 1/2 का उल्टा क्या होता है बच्चों? 2 होता है, और 0 का उल्टा मतलब वो 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नाउ इसको लिखने के लिए, कॉट थीटा को लिखने के लिए बच्चों हम लोगों को टैन को उल्टा करना पड़ेगा। सो अगेन यहाँ पे 1/0 हो जाएगा, सो दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा √3, क्योंकि यहाँ पे 1/√3 है, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। ठीक है, फिर √3 है यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ नॉट डिफाइंड है मतलब 1/not defined इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये टेबल हम लोग प्रिपेयर कर लिए। अब हमको बच्चों समझाना था, हमको आप लोग को समझाना था, इसलिए एग्जैक्टली इतना टाइम लगा। अगर हमको अपने लिए लिखना होता तो ये बच्चों मैक्सिमम हमको इसमें 1 मिनट लगता है, उससे भी कम लगता है इनफैक्ट। ठीक है, क्योंकि हम इतना लिखते ही नहीं, हम केवल साइन कॉस टैन का वैल्यू लिखते हैं या फिर साइन कॉस का लिखते हैं, बाकी सब ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। सुना बच्चों, जो हम लोग का दूसरा तरीका है वो क्या है? वो हम लोग का लेफ्ट हैंड वाला तरीका है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड में, ठीक है, जो नीचे वाला फिंगर है मतलब जो लिटिल फिंगर है, वहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। थंब क्या है हम लोग का बच्चों? 90 है। देखो थंब ऐसा है ना, तो 90 बन रहा है, तो ध्यान में रखना थंब 90 है। ठीक है, सो इस तरह से लिखने के बाद में बच्चों हम लोग यहाँ पे साइन कॉस और टैन का सारा वैल्यू लिख सकते हैं। उसके बाद कॉसेक सेक और कॉट तो अपने आप निकल जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइन 0 को अगर लिखना है, साइन 30 को लिखना है, साइन 45 को लिखना है, साइन के वैल्यू उसको लिखना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फिंगर बिलो अपॉन 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम लोग को निकालना है साइन 0 का वैल्यू, ठीक है, अगर हम लोग को निकालना है साइन 0 का वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे? देखो अब फिंगर बिलो देखना है हम लोग को, 0 क्या है बच्चों? हम लोग का लिटिल फिंगर है। अब इसके नीचे कितना फिंगर है? अब इसके नीचे तो एक भी फिंगर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 0, अंडर रूट 0 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 0। देखो साइन 0 आया कि नहीं आया। फिर देखो बच्चों साइन 30 निकालना है, 30 हम लोगों का क्या है? रिंग फिंगर है। अब देखो इसके नीचे हम लोगों का एक फिंगर है, ठीक है, इसके नीचे हम लोग का एक फिंगर है, तो हम लोग क्या करेंगे? रूट के अंदर डाल देंगे 1 अपॉन 2। ठीक है, हो जाएगा बच्चों 1/2 हो जाएगा, √1/2 मतलब 1/2। ठीक है, साइन 45 लिखना है बच्चों, इसका मतलब क्या है? अब देखो इस फिंगर के नीचे कितना फिंगर है? 2 फिंगर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला है हम लोग के पास में, फिंगर बिलो अपॉन 2, ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे बच्चों 2, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √2/2 इस तरह से आ गया। इसको रैशनलाइज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? लिख सकते हैं 1/√2। ठीक है, साइन 60 लिखना है बच्चों, देखो यहाँ 60 है, उसके नीचे 3 फिंगर्स हैं हम लोग के पास में, सो यहाँ लिखेंगे √3/2 एंड साइन 90 बच्चों, थंब हम लोग का 90 है, तो इसके नीचे 4 फिंगर हैं, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग √4/2 मतलब ये 2/2 मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कितना आसान था लिखना बताओ, कितना सिंपल है, दोनों तरीका कितना अच्छा है बच्चों, बहुत इफेक्टिव भी है। सो अगर पता होगा, अगर हम लोग वैल्यू भूल भी जाएंगे कभी बीच में, तो इससे रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसी तरह से बच्चों हम लोग लिखेंगे कॉस 0 का वैल्यू। अब उसके लिए फॉर्मूला क्या है? अब इसके लिए फॉर्मूला है बच्चों फिंगर अबव अपॉन 2, इसके लिए फिंगर बिलो है, नीचे का फिंगर देखते हैं, और कॉस के लिए ऊपर का फिंगर देखते हैं। ठीक है, तो कॉस 0, देखो यहाँ 0 क्या है? हम लोग लिटिल फिंगर है बच्चों, इसके ऊपर कितना सारा फिंगर है? 1, 2, 3, 4 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? √4/2 मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वैसे ही कॉस 30 देखो, 30 1, 2, 3 फिंगर है मतलब √3/2 हो जाएगा। ठीक है, कॉस 45 क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस 45 मतलब 45 यहाँ पे है, इसके ऊपर कितना फिंगर है बच्चों? 2 फिंगर है। ठीक है, उसके बीच ऊपर हम लोग के पास 2 फिंगर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? √2/2 मतलब कितना? 1/√2। ठीक है, फिर कॉस 60 ये वाला देखो, इसके ऊपर कितना फिंगर है? 1, सो दिस इज 1/√1/2 मतलब 1/2 हो जाएगा। और कॉस 90 बच्चों, तो 90 के ऊपर तो कोई फिंगर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 √0/2, सो दिस इज 0। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कॉस का वैल्यू भी लिख लिए। अगर हम लोग को टैन का लिखना है वैल्यू, तो क्या करेंगे? ठीक है, टैन का लिखना है तो क्या करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला है बच्चों हम लोग के पास में, फिंगर बिलो अपॉन फिंगर अबव, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ही आने वाला है ना बच्चों। हम लोग को पता है टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो फिंगर बिलो अपॉन फिंगर अबव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 0, ठीक है, तो फिंगर बिलो, अगर 0 का देखते हैं बच्चों, तो फिंगर बिलो कितना है? नीचे कितना फिंगर है अपने पास में? तो नीचे एक भी फिंगर नहीं, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। और फिंगर अबव कितना हो जाएगा बच्चों?
ऊपर में चार है तो रूट के अंदर जीरो फोर तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा राइट। टेन थर्टी का देखो अब इसके नीचे कितना है बच्चों, नीचे वाला लिखेंगे हम लोग यहाँ पे रूट वन और ऊपर कितना है बच्चों एक दो तीन, तीन है तो रूट थ्री, सो दिस इज वन अपॉन रूट थ्री। टेन फोर्टी फाइव का देखो बच्चों नीचे दो है ऊपर दो है तो क्या हो जाएगा रूट टू अपॉन रूट टू, दिस इज वन। एंड टेन सिक्सटी का देखो सिक्सटी के नीचे कितना है बच्चों तीन है और ऊपर कितना है एक है तो हमको क्या करना है यहाँ पे बिलो लिखना है मतलब तीन रूट थ्री ठीक है अपॉन कितना हो जाएगा रूट वन, सो दिस इज रूट थ्री हो जाएगा बच्चों। और टेन नाइन्टी ठीक है इसके नीचे कितना है बच्चों चार है सो दिस इज फोर रूट फोर और यहाँ पे जीरो सो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड ठीक है। ये क्या होगा बच्चों नॉट डिफाइंड होगा ठीक है टेन नाइन्टी। सो बच्चों इस तरह से स्पेसिफिक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू को बिना याद किए हुए हम लोग लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उसको यूज़ कर सकते हैं राइट। सुनाओ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि जो भी हम लोग यहाँ पे समझे हैं, जो भी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ डिस्कस किए हैं हम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल वन क्या है हम लोग का, इंटर एंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग को एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें ए बी का लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर और एंगल ए सी भी दिया हुआ है बच्चों हम लोग को 30 डिग्री ठीक है। सो क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। सो गिवन ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। निकालना क्या बच्चों टू फाइंड लेंथ ऑफ साइड्स बी सी एंड ए सी ठीक है बच्चों, बी सी और ए सी का लेंथ निकालना है। तो देखो जरा ऑब्जर्व करो इसको, ट्रायंगल हम लोग के पास में राइट ट्रायंगल बच्चों ए बी सी राइट एंगल कहाँ पे है बी पे है ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है बी सी है ठीक है, निकालना क्या है बी सी, दिया क्या है बच्चों ए बी है तो इसके लिए बच्चों 30 डिग्री के लिए ए बी क्या हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि ये इसके अपोजिट में है और बी सी क्या है बच्चों एडजेसेंट में है तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए बेस हो जाएगा और ये बच्चों हाइपोटेन्यूज ठीक है। सो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं बी सी का लेंथ ठीक है, हम लोग को रिलेशन पता है बच्चों ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है ठीक है। तो हम लोग को पता है बच्चों टैन थीटा क्या होता है, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और बच्चों थीटा क्या है यहाँ पे 30 डिग्री है सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि टैन ऑफ 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बी सी क्या है बेस है राइट बच्चों। सो ए बी का लेंथ तो अपने को दिया ही है दिस इज 5 सेंटीमीटर ठीक है, बी सी निकालना है और टेन थर्टी कितना होता है बच्चों ठीक है, टेन थर्टी का वैल्यू होता है बच्चों यहाँ पे 1/√3 ठीक है। एक बार रिकॉल करने का कोशिश करना, जो भी यहाँ शॉर्टकट हम लोग सीखे हैं एबेसिस सीखे हैं शॉर्टकट ठीक है, तो टेबल बनाना सीखे हैं मतलब लेफ्ट हैंड रूल से भी सीखे हैं तो वहाँ से देखना एग्जैक्टली क्या आएगा 1/√3 आएगा टेन थर्टी का वैल्यू ठीक है। सो अब यहाँ पे 1/√3 इज इक्वल टू 5/BC हो जाएगा सो बच्चों BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस इज 5√3 ठीक है। तो बी सी का लेंथ कितना आया बच्चों हम लोग का 5√3 आया ठीक है। अब हम लोग को अगर ए सी निकालना है ठीक है, अब हम लोग अगर यहाँ पे ए सी निकालना है बच्चों तो दो तरीका है निकालने का ठीक है, या फिर तो हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो से निकाल सकते हैं या फिर पाइथागोरस थ्योरम में उसे निकाल सकते हैं ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से ही निकालेंगे, टी रेशियो से ही निकालेंगे ठीक है, पाइथागोरस का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे ठीक है। देखो तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ 30 क्या हो जाएगा बच्चों, साइन ऑफ 30 ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ठीक है। तो बच्चों दिया है परपेंडिकुलर 5 ठीक है, हाइपोटेन्यूज एच वही हम लोग को निकालना है, एसी वही है या फिर एसी लिख लो यहाँ पे 5/AC तो क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू साइन 30 कितना होता है बच्चों 1/2 होता है ठीक है, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है ठीक है। हम लोग लेफ्ट हैंड से निकाल सकते हैं, देखो ये हम लोग का 0 था ठीक है, ये हम लोग का 30 था बच्चों, क्या निकालना है साइन 30 निकालना है तो फिंगर बिलो ठीक है, फिंगर बिलो कितना है यहाँ पे 1 है ठीक है, फिंगर बिलो कितना है 1 है और फिंगर बिलो के बाद क्या करना है हम लोग नीचे में 2 से उसको डिवाइड कर देना है तो 1/√1/2 होता है तो 1/1/2 हो गया, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों AC हो जाएगा 10 सेंटीमीटर राइट ठीक है। वैसे हम लोग 10/30 को निकाल सकते हैं बच्चों, 10/30 मतलब क्या हुआ देखो यहाँ पे ये 0 हुआ ठीक है, ये 30 हुआ बच्चों तो क्या होता है 10 का फॉर्मूला फिंगर बिलो अपॉन फिंगर अबव ठीक है, रूट के अंदर तो फिंगर बिलो कितना बच्चों 1 है
ठीक है, फिंगर अबव कितना है, 3 है, तो रूट 1 ऊपर में, रूट 3 नीचे में, तो क्या हो गया, 1 अपॉन रूट 3 हो गया, तो कितना आसान है, राइट बच्चों, तो दोनों निकल के चला आया हम लोगों का, ठीक है, 5 रूट 3 बीसी का लेंथ है, इसका बच्चों 10 सेंटीमीटर, राइट, ठीक है, चलो तो लोग दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या दिया, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू, ठीक है, तो क्या निकालना है हम लोगों को, टू फाइंड एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू, ठीक है, ये निकालना है हम लोगों को, गिवन क्या है बच्चों, गिवन दिया है हम लोगों को पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये दोनों दिया है, ये दोनों निकालना है, मतलब हम लोग को बच्चों यहाँ पे ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, तो फिर रिज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ बोलते हैं ये थीटा है और ये अल्फा है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है हम लोग को बच्चों, यहाँ पे पी क्यू दिया है और पी आर दिया है, तो हम लोग थीटा का बात करते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हम लोग के लिए और ये तो हाइपोटेन्यूज है ही, ठीक है, सो हम लोग आराम से लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि इसके लिए बच्चों ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये दोनों दिया है, तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, मतलब कितना है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 आया, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 आया, और 1 बाई 2 क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे भी कुछ हम लोग को साइन का रिलेशन चाहिए, अब किस स्पेसिफिक एंगल के लिए, ठीक है, साइन बच्चों 1 बाई 2 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को अच्छे से पता है कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई 2 होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 बाई 2 होता है, ठीक है, सो थीटा का वैल्यू कितना होगा बच्चों, यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, नाउ इसका वैल्यू निकल गया बच्चों हम लोगों का 30 डिग्री, अब निकालना हम लोगों को अल्फा का वैल्यू, तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं 90 30 120, तो ये 60 हो जाएगा, या फिर हम लोग यहाँ पे रेशियो को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग अल्फ़ा निकालने के लिए, देखो तो बच्चों अल्फ़ा निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा के लिए बेस क्या है बच्चों, पी क्यू है और हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अल्फ़ा के लिए बेस क्या होगा, ध्यान दो अल्फ़ा के लिए बेस क्या होगा, पी क्यू होगा, तो यहाँ पे लिख लो पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, पी आर है, तो यहाँ हो जाएगा पी आर, सो पी क्यू इज गिवन 3 एंड पी आर इज गिवन 6, तो यहाँ भी क्या आया बच्चों, 1 बाई 2 आया, ठीक है, और अब यहाँ पे साइन दिखा था बच्चों, हम लोग दोनों तरफ साइन चाहिए था, यहाँ पे कॉस है, तो यहाँ कॉस का कोई हम लोग को देखना पड़ेगा रिलेशन, ठीक है, तो कॉस किस एंगल का कॉस का वैल्यू बच्चों 1 बाई 2 होता है, ठीक है, तो कॉस 60 का वैल्यू बच्चों होता है 1 बाई 2, अभी बच्चों बनाते बनाते आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कंफर्टेबल होइएगा आप लोग, तो प्रैक्टिस करो, हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, तो बच्चों सेशन को मिस मत करना, और अगर सच में समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना बच्चों, प्लीज़, ठीक है, तो देखो इतना आ गया हम लोगों का कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60, सो थीटा क्या होगा यहाँ पे, थीटा का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री, वैसे भी हम लोग को मिल रहा था 90 30 120 होता है, और सम कितना होता है 180, तो 60 होना ही था, ठीक है, इससे भी निकल गया हम लोगों का, एंड बच्चों तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों, अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है, तो हम लोग बच्चों अगले सेशन में अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 करेंगे, सो बच्चों सेशन को मिस मत करना, ठीक है, और तब तक अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, हम लोग मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।